हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ स्नेहा अग्रवाल और आज मैं कराने वाली हूँ क्लास 10 का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस। तो गाइस, ये जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है ना, ये एक हम जो पढ़ने वाले हैं, जो लाइफ प्रोसेस है, ये क्लास 10 के बायोलॉजी का सबसे बेसिक चैप्टर है। यानी ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, ये चीज़ हमें आनी चाहिए, ठीक है। और ये चीज़ हम ना ऑलरेडी 7th क्लास में पढ़ चुके होते हैं, बट जब हम 10th क्लास में आते हैं और ये चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो हमें लगता है कि हमने इसे पढ़ा ही नहीं है। बिल्कुल नया चीज़ समझ के, हार्ड चीज़ समझ के हमें थोड़ा टफ लगने लगता है ना। बट हम ये 7th में ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से ग्रैप करें, इसको समझें, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है एंड बहुत ही इजी चैप्टर है। और मैंने इसके कुछ नोट्स प्रिपेयर किए हैं, लाइक जब मैं 10th में थी मैंने ये नोट्स बनाए थे अपने लिए, और ये ऐसे नोट्स हैं कि इसके बाद हमें एनसीईआरटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं पक्का आपसे कह सकती हूँ। और मेरे खुद बायोलॉजी में जब मेरा एग्ज़ाम हुआ था साइंस का, तो जो 80 मार्क्स का होता है, उसमें से जो मेरा बायोलॉजी था उसमें मेरे फुल मार्क्स आए थे, जो कि मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा था, क्योंकि पता नहीं, ठीक है, लीव इट। तो अब बात करते हैं हम लाइफ प्रोसेस की। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये नोट्स बहुत ही अच्छे हैं, अगर आप इनसे पढ़ते हैं आपके जो भी डाउट्स हैं क्लियर हो जाएंगे। वीडियो शायद थोड़े लेंथी हो सकता है, बट आपके जो कंसेप्ट हैं, आपके जो लर्निंग है, वो आपको पूरा चैप्टर एंड तक बिल्कुल याद हो जाएगा और समझ हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब बिना किसी देरी के लेट स्टार्ट द वीडियो। ओके, लाइफ प्रोसेस से पहले हम ये जानेंगे कि लाइफ क्या होती है। आपको पता है लाइफ इज जिंदगी, है ना, और प्रोसेस क्या, कि किस तरीके से कुछ हो रहा है। तो लाइफ प्रोसेस क्या हुआ फिर, कि जिंदगी को चलाने के लिए, जो हमारी लाइफ है उसको चलाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे कैसे प्रोसेस होते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं जिससे हमारी जिंदगी यानी जो लाइफ है वो चलती है, ठीक है। अब लाइफ प्रोसेस हमने ये तो देख लिया कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है, हिंदी में समझ लिया हमने, है ना। अब हम देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। यानी कुछ ऐसे बेसिक फंक्शन, नॉर्मल ऐसे जो इजी से कुछ सिंपल से फंक्शंस होते हैं, वो परफॉर्म किए जाते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन, जो कि जिंदा है, ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म लाइक एनिमल्स भी हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं, ह्यूमंस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कोई भी एक फंक्शन करता है अपनी लाइफ को चलाने के लिए, अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए, या फिर अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए इस अर्थ पे। अगर हमें इस अर्थ पे रहना है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को कोई ना कोई फंक्शन करना पड़ेगा इस लाइफ पे रहने के लिए, क्योंकि अगर वो कोई फंक्शन नहीं करेगा तो वो इंसान इस जिंदगी पर, मतलब इस अर्थ पर रहेगा कैसे, है ना। तो इसी को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस, ठीक है। ये डेफिनेशन आप लर्न कर लीजिएगा, इसे लिख लीजिएगा। नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं, या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है @sneha2056 पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स भेज दूंगी। ओके, तो हम बात करते हैं सबसे पहले न्यूट्रिशन की, क्योंकि लाइफ में सब कुछ चलाने के लिए हमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ चाहिए, डैट इज न्यूट्रिशन। ओके, अब न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन जो है वो एक न्यूट्रेंट है, कैन बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एंड यूजेज इट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो न्यूट्रिशन जो है ना, वो एक ऐसा टाइप का न्यूट्रेंट होता है, यानी बात तो सेम है, न्यूट्रिशन न्यूट्रेंट, मैंने क्या डिफरेंट बताया है ना। तो मैं बताती हूँ कि हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जिसको एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी सराउंडिंग से लेता है और उसको यूज़ करता है। अब यूज़ करता है कैसे, मतलब उसने उसको खाया या कैसे भी यूज़ किया, किसी खाने में उसको वो होता है, किसी खाने में तो उसको लिया और उसको यूज़ कर लिया। अब उस यूज़ करने से उसको क्या मिलेगा, उसको मिलेगा एक एनर्जी, ठीक है, उसे मिलेगा एक सोर्स ऑफ एनर्जी, उस जो उसने सराउंडिंग से उस सब्सटेंस को लिया है इस ऑर्गेनिज्म ने, ठीक है। और उस जो सब्सटेंस को हमने लिया सराउंडिंग से, उसमें क्या होगा, या तो फैट होगा, प्रोटीन होगा, विटामिन्स होंगे, मिनरल्स होंगे, कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो ये सब चीज़ों को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक। लाइक अगर हमने कोई भी एक सब्सटेंस उठाया, जैसे कि हमने उठा लिया दाल, ठीक है, हमने ले ली दाल, तो दाल में अब हमने सराउंडिंग से एक सब्सटेंस, अब किसने लिया, वो एक ऑर्गेनिज्म ने लिया। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जब सराउंडिंग से सब्सटेंस लेता है और उसको वो यूज़ करता है, तो
उसको खाने से हमें क्या मिली, एनर्जी मिली। दाल को खाने से हमें एनर्जी मिली। अब एनर्जी क्यों मिली वो, क्योंकि जो उसमें प्रोटीन था, वो प्रोटीन को लेने से हमें अलग टाइप की एनर्जी आ गई, प्रोटीन एनर्जी, है ना। तो किसी भी सब्सटेंस को लेने से अगर हमें कोई सोर्स ऑफ एनर्जी मिल रही है लाइक फैट, प्रोटीन वगैरह ये सब, तो उसको हम बोल देते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, होप आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हमने पढ़ लिया न्यूट्रिशन क्या होता है, लाइफ प्रोसेस क्या होता है। अब हम ये जानेंगे कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी हमने ये तो पढ़ा न्यूट्रिशन होता क्या है, इसके एग्जांपल्स क्या है, बट ये किस किस तरीके से डिवाइडेड है। ठीक है, अब हम वो पढ़ने जा रहे हैं, यानी क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है न्यूट्रिशन का। तो जो मोड्स है न्यूट्रिशन के, यानी कितने टाइप के न्यूट्रिशन हो सकते हैं, न्यूट्रिशन जो है वो टू टाइप्स के हो सकते हैं। फर्स्ट इज ऑटोट्रॉपिक एंड द सेकेंड वन इज हेटरोट्रॉपिक। ठीक है, नाउ बात कर लेते हैं पहले ऑटोट्रॉपिक की। हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि वॉट इज ऑटोट्रॉपिक एंड वॉट इज हेटरोट्रॉपिक। अगेन आई एम टेलिंग यू वॉट इज ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक जो है उसमें पहले जानिए कि ऑटो का मतलब क्या है। ऑटो का मतलब होता है खुद, ओन। ठीक है, तो सिंपल हम समझ जाएंगे फिर कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना खुद बनाता है एक सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल से। अब ऑर्गेनिक मटेरियल क्या, जिसमें कोई मिलावट नहीं है, बिल्कुल प्योर है, लाइक CO2, H2O, है ना, ये सब ऑर्गेनिक मटेरियल है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जब ये खाना बनाता है या अपना खाना खुद बनाता है इन ऑर्गेनिक मटेरियल से, तो उसको हम कह देते हैं ऑटोट्रॉपिक। अब आप सोच रहे होंगे कि CO2, H2O हम कैसे बना सकते हैं, इससे हम खाना कैसे बना सकते हैं, तो इसलिए हम नहीं बना सकते ना, तो इसलिए ऑटोट्रॉपिक में ह्यूमन बीइंग्स नहीं आते हैं। ऑटोट्रॉप में सिर्फ प्लांट्स आते हैं। प्लांट्स क्यों आते हैं, क्योंकि वो खाना इन ऑर्गेनिक मटेरियल से लाइक CO2, H2O से बना सकते हैं। कैसे, फोटोसिंथेसिस करके, रेस्पिरेशन करके, है ना। अगर वो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन करेंगे तो और ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं यानी प्लांट्स, वो अपना खाना खुद बना सकेंगे इन सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल से। ठीक, इतना क्लियर हो गया। देन अब हम आते हैं हेटरोट्रॉपिक पे। हेटरोट्रॉपिक जो है वो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते। और किन से नहीं बना सकते, ऑर्गेनिक मटेरियल से। ठीक है, क्योंकि अब देखिए हम ऑर्गेनिक से बना सकते हैं क्या, CO2 H2O से बना सकते हैं, नहीं ना, इसलिए हम आते हैं हेटरोट्रॉपिक यानी ह्यूमंस। अच्छा, अब एनिमल्स जो हैं, यही जो बैक्टीरिया है, यीस्ट, डॉग, कैट, ये सब क्या खाना खुद बना सकते हैं CO2 H2O से, नहीं बना सकते, इसलिए ये आते हैं हेटरोट्रॉप में। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कि हेटरोट्रॉप्स को किन किन में डिवाइड किया गया। अब हेटरोट्रॉप हमने पढ़ा कि न्यूट्रिशन जो है वो दो टाइप के होते हैं। अब जो हेटरोट्रॉप हमने पढ़ा ना, वो खुद तीन टाइप का होता है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप का होता है सेप्रोट्रॉपिक, सेकेंड इज पैरासाइटिक एंड थर्ड वन इज होलोजोइक। ठीक है, तो सेप्रोट्रॉपिक क्या होता है वो जान लेते हैं। सेप्रोट्रॉपिक जो है वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना बनाते हैं, पर अब ये जो तीनों है ना, ये अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे, है ना, क्योंकि हमने पढ़ा हेटरोट्रॉपिक अपना खाना खुद नहीं बनाते, तो ये तीनों कैसे बना लेंगे, ये भी तो इसके ही पार्ट है। तो सेप्रोट्रॉपिक ऐसे होते हैं जो खाना अब किससे बनाएंगे, जब वो खुद नहीं बना सकते तो वो कहाँ से लेंगे, कहीं से छीनेंगे किसी से, या फिर किसी से लेंगे कि दे दो भाई, है ना, तो वो किससे लेंगे, वो लेते हैं डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से। डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर क्या है, कुछ मरे हुए जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं लाइक CO2 हो गया, H2 हो गया, मैन्योर हो गए, ये सब जो होते हैं उनसे जो खाना बनाते हैं या लेते हैं वो होते हैं हमारे सेप्रोट्रॉपिक। अब एग्जांपल में कौन आया, कोई ह्यूमन, डॉग तो होगा नहीं, क्योंकि हम तो ऑर्गेनिक मैटर से नहीं ले भी नहीं सकते, हम क्या डेड डिकेइंग खा सकते हैं, नहीं ना। तो वो कौन है जो इससे ले सकता है, मशरूम हो गया, यीस्ट हो गया, ये सब हैं जो डेड डिकेइंग से लेते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है, इसको जरूर याद करें। ओके, नाउ पैरासाइटिक। पैरासाइटिक जो है ना, वो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि खाना लेते हैं किन से लेंगे, दूसरे लोगों से। ठीक है, लाइक अब ये तो ऑफकोर्स ये बात है, लेंगे तो दूसरों से, क्योंकि बना तो खुद सकते नहीं, क्योंकि हेटरोट्रॉपिक है। अब किससे ले रहे हैं और कैसे ले रहे हैं, है ना, ये लेते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से। अब कैसे लेते हैं, उससे खाना लेंगे पर उसको मारेंगे नहीं, यानी जैसे कि हम ले सकते हैं जो फ्लाइज होते हैं, यानी जो मच्छर वगैरह ये सब होते हैं, ये क्या करते हैं,
आप जैसे आपके घर में घूम रहे हैं मच्छर वगैरह, ठीक है, अब गर्मियों का मौसम है वैसे भी तो आ ही रहे होंगे, ठीक है, तो मच्छर आए, अब उन्होंने क्या किया, आपकी बॉडी पे बैठे और उन्होंने खून सक कर लिया, आपका जो भी ब्लड था उन्होंने उसको सक कर लिया। तो जब उन्होंने वो ब्लड लिया तो क्या आप मरे? नहीं ना, आप तो जिंदा हैं, पर उसको उसका खाना मिल गया। यानी वो कैसा एनिमल है, वो किस टाइप का न्यूट्रिशन लेता है, वो हेटरोट्रॉपिक है, वो पैरासाइटिक हेटरोट्रॉपिक है। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म था जो मच्छर था, वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म था जिसने खाना लिया किसी दूसरी बॉडी से। कौन सी वो बॉडी थी? हम थे, ठीक है, और उसने क्या लिया, उसने ब्लड लिया विदाउट किलिंग इट, हमें बिना मारे, यानी जिस बॉडी से वो अपना खाना ले रहा है उसको बिना मारे उसने उससे खाना ले लिया, वो होते हैं पैरासाइटिक। और जो खाना लेते हैं ना उसको हम एक तरह से होस्ट बोलते हैं, ठीक है, होस्ट, ठीक है, आप मतलब ये तो एक प्रोसेस है कि किस टाइप का है, पर मेन उसको क्या बोलते हैं जो लेता है, होस्ट, ठीक है, सॉरी, एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल जो है इसका हुआ प्लास्मोडिया, राउंड वॉर्म, एसेक्ट्रा, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ भी हम ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आती है होलोजोई। अच्छा, होलोजोई क्या है ना, उसमें हम आते हैं, उसमें हम क्यों आते हैं, क्योंकि होलोजोई जो है वो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं। कॉम्प्लेक्स कैसा, जिसको हम मतलब और डिवाइड कर सकते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट सा ऐसा कुछ होता है, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स फूड को लेते हैं, और उस कॉम्प्लेक्स फूड को जब हम अपनी अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं तो हम इंजेशन करते हैं, फिर हम उसको तोड़ देते हैं एक सिंपलर सी फॉर्म, सिंपलर सी यानी एकदम इजी सी प्यारी सी फॉर्म में, जिसको हम इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं और एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक। तो उसमें आते हैं होलोजोए, क्योंकि हम इंजेशन करते हैं, डाइजेशन करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं, एसिमिलेशन करते हैं और इजेशन, ये पांचों प्रोसेस हम करते हैं। तो जो भी ये पांचों प्रोसेस करते हैं वो आते हैं होलोजोए में, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम फोटोसिंथेसिस के बारे में। अच्छा, इसका एग्जांपल ह्यूमंस हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, लाइक डॉग कैट वगैरह कुछ भी, क्योंकि वो सब भी डाइजेशन प्रोसेस करते हैं। नाउ फोटोसिंथेसिस के बारे में इफ़ आई टॉक अबाउट, तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है। पहले तो उसका फॉर्मूला देख लेते हैं, रिटर्न फार्मूला, ठीक है। देखिए 6CO2, अभी जो 6 है ना ये अभी भूल जाइए, ये वाला 6, ये वाला 6 और ये वाला 6, ठीक है, इतना देखिए, CO2 H2O क्लोरोफिल सनलाइट C6H12O6। अब ये जो है ये ग्लूकोज है और O2 ऑक्सीजन। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, एक देखिए जो 666 है ना, ये तो हमने इसको किया है बैलेंस, ठीक है, 1 मिनट, तो ये हमने क्या किया, 66 लगा के इसको बैलेंस कर दिया, ठीक। ये क्या है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा वाटर है, ये क्लोरोफिल सनलाइट, ये ग्लूकोज और ये ऑक्सीजन, ठीक। अब जो हमारा कार्बन है और सॉरी कार्बन कैरी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है, ये दोनों हमारी क्या रिएक्टेंट है, और ये दोनों ग्लूकोज और ऑक्सीजन क्या है, हमारे प्रोडक्ट। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है ना, हम इसी इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस है हम उसको बोल सकते हैं कि जब भी हम CO2 और H2O को रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ, यानी ये दोनों जब साथ में होंगे, किसकी प्रेजेंस में, प्रेजेंस मतलब किसकी मौजूदगी में क्या होना चाहिए, साथ में सनलाइट और क्लोरोफिल होना चाहिए। आई एम रिपीटिंग अगेन कि जब CO2 और H2O को हम रिपीट करेंगे एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल, इन दोनों के प्रेजेंस में जब हम रिएक्ट करेंगे तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है वो फॉर्म होंगे, और या फिर वो दोनों हमें एज अ प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक। इतनी बात क्लियर हुई, ग्लूकोज का फॉर्मूला याद रखना है, इट्स इम्पॉर्टेंट। नाउ प्रोसेस, अब हम देख लेते हैं, हमने ये तो पढ़ लिया कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इसकी इक्वेशन क्या होती है, बट अब ये जो इक्वेशन हमने लिखी ना, इसमें कुछ क्या प्रोसेस हो रहा है हमें वो नहीं पता चल रहा ना, वो मैं बताने जा रही हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोसेस है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। और यहाँ पे लाइट एनर्जी कौन सी है, पहले अगर आपको पता है वीडियो को पॉज करें और लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की विच इज द लाइट एनर्जी इन दिस इक्वेशन। ओके, होप आपने कमेंट्स में आंसर दे दिए होंगे, तो आप, अब मैं आपको आंसर बता देती हूँ। तो जो लाइट एनर्जी है वो यहाँ पे सनलाइट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो किसकी एब्जॉर्प्शन होगी, सनलाइट की, कौन करेगा, क्लोरोफिल।
क्लोरोफिल कहाँ होता है? क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट में। ठीक, अब क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल है वो क्या करता है कि हमने जब बोला कि इन दोनों के प्रेजेंस में हम दोनों को रिएक्ट करेंगे, तो जो क्लोरोफिल है ना, जब हम सनलाइट देंगे, लाइक मेरा यहाँ पे ये सन है, ठीक है, और ये मेरा प्लांट, ये हमने 6th 7th में पढ़े, ऐसा डायग्राम कुछ है ना, तो जब ये सनलाइट देगा, ठीक है, तो CO2 हमें मिल रही है एयर से, H2O हमें रूट से मिल रहा है ना, और सनलाइट ये हमें दे ही रहा है, और क्लोरोफिल प्लांट्स में यहाँ पे खुद होता है। ठीक, तो अब मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि ये जो सन है, जब ये सनलाइट देगा तो ये लीव्स पे भी जाएगा, इस लीव में क्या है? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में क्या है? क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, बस इतनी सी चीज। पहला प्रोसेस यह कि जो क्लोरोफिल था उसने सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, ये आता है एग्जाम में 3 मार्क्स में, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, 3 मार्क्स में आएगा, आई एम डेफिनेटली श्योर। ठीक, और ये इक्वेशन भी आती है, ठीक है, और एक क्वेश्चन और आता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए, ठीक है, क्या क्या मटेरियल चाहिए वो क्वेश्चन आता है, तो मटेरियल क्या होगा? CO2 होगा, H2 होगा, क्लोरोफिल सनलाइट होगा, बस, ठीक है, और रिएक्शन में मतलब प्रोडक्ट में हमें मिलेगा ग्लूकोज एंड O2, आपको ये लिखना होगा, और अगर मटेरियल आ रहा है, इक्वेशन और ये सब लिख देते हैं तो आपको पूरे 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, सो प्लीज माइंड इट। ओके, तो फर्स्ट प्रोसेस आपको समझ आ गया कि क्लोरोफिल ने क्या किया, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। नाउ द सेकंड वन प्रोसेस जो है वो ये कहता है कि अब जो ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करा ना, किसने? क्लोरोफिल ने, वही कन्वर्ट होगी। अब कुछ चीज हमने एब्जॉर्ब करी है तो किसी बात के लिए तो की होगी, है ना, तो इसी चीज में अब जो क्लोरोफिल ने लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, उसको लिया है, तो वो उसको कन्वर्ट करेगा, उस लाइट एनर्जी को वो कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी में। किसमें करेगा? केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी में कैसे करेगा? जो ये H2O था ना, इसके मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट कर देगा, यानी डिवाइड कर देगा, लाइक H2O2 था तो H2 और O2 इस तरीके से डिवाइड कर देगा, तो ये केमिकल एनर्जी बन जाएगी। ठीक, अब थर्ड प्रोसेस क्या है कि थर्ड प्रोसेस इन दोनों से, ये दोनों जैसे आपस में जुड़े हुए थे कि पहले लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, फिर उसका कन्वर्शन हुआ इनटू द केमिकल एनर्जी में। अब थर्ड पॉइंट थोड़ा डिफरेंट है, इनसे कनेक्टेड नहीं है, इस इक्वेशन से कनेक्टेड है। क्या? कि ये जो CO2 था ना, इसका रिडक्शन हो जाएगा इनटू कार्बोहाइड्रेट में। मतलब देखिए, यहाँ पे क्या था? ये 12 है, O2 है ना, ऑक्सीजन जो है यहाँ 12 है, यहाँ पे कितना हो गया आगे? 6 हो गया, है ना, तो और जो कार्बन है वो 6 था, यहाँ पे कार्बन आ गया 6, तो जो हमारा CO2 है उसका कार्बोहाइड्रेट में क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। ओके, तो अब हम देखेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है गाइस। तो एक चीज और मैं बता दूं कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हम कंप्लीट कर देंगे अपने पार्ट 1 में, और हम कर चुके हैं न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड पार्ट होगा उसमें मैं रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन खत्म कर दूंगी, ठीक है। 2 पार्ट्स आएंगे, जो पार्ट 2 होगा उसका लिंक मैं बाद में जब वीडियो आएगी उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, यू कैन गो फ्रॉम हियर। और अगर आपको किसी और वीडियो का चाहिए, लाइक एसिड बेसिस का, केमिकल्स का नोट्स, तो वो भी मैंने वीडियो डाल रखी है, प्लीज़ ग्रैब फ्रॉम देयर। ओके, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें, तो जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या होता है? उसमें कुछ सारे, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, है ना। तो जो हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कुछ इस टाइप का होता है ना, लाइक यहाँ पे हमारा ये माउथ होता है, ये हमारा विंड पाइप यानी ईसोफेगस होता है, फिर स्टमक, फिर ये पैंक्रीज, इधर लिवर होता है, ये गॉल ब्लैडर होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी लार्ज, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, फिर एनस, एंड देन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसको मैं आपको बीच में दिखाती रहूंगी इसको समझाने के लिए। तो हम आ जाते हैं अभी अपने नोट्स पे। तो गाइस, अब जो मैं आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के नोट्स देने वाली हूँ ना, ये बहुत ही ज्यादा अच्छे है। मतलब इसमें आपको पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में सब कुछ मिलेगा, बुक से, गाइड से, मैंने सबका मिलजुल के इसमें डाला है, जो कि मेरे को खुद, मैंने अपने नोट्स के लिए बनाया था ताकि मुझे हेल्प हो, मेरे को बार 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 इतनी सारी बुक्स ना खोलनी पड़े, सिर्फ अपने नोट्स खोल के मैं डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट कर सकूँ। ओके, आप खुद पढ़ के भी देखिएगा इन्हें प्लीज, क्योंकि इसमें सब कुछ है, एंड इट विल, आई प्रॉमिस इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, तो इंजेक्शन के बारे में हम बात करते हैं पहले। अब इंजेक्शन क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है?
ले अंदर, है ना। और जशन का मतलब होता है टेक ऑफ फूड, ठीक। तो इन जशन का मतलब क्या हुआ कि फूड को अंदर लेना। फर्स्ट प्रोसेस जो होता है हमारा, फाइव प्रोसेस होते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एसिमुलेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंजेशन। इंजेशन बहुत ही छोटा सा है, सो फटाक से खत्म कर लेते हैं। तो इंजेशन जो है वो क्या होता है कि फूड को अंदर लेना। अब फूड को अंदर लेना कहाँ से शुरू होता है, माउथ से, है ना। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, वो उसका जो फर्स्ट जो डाइजेशन है हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ में। तो वन मार्क का क्वेश्चन जो है आपका यहाँ से एक बनता है कि डाइजेशन जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो डाइजेशन जो हमारा है, हमारा स्टार्ट होता है फ्रॉम माउथ से बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन, ठीक है। वन मार्क में आप इतना लिख सकते हैं कि माउथ से होता है बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। और माउथ में अब क्या क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ, वैसे इतना डिटेल आता नहीं है। टीथ, टंग का बस सेलिवरी ग्लैंड आता है, बट अगर आपको फाइव मार्क्स में आ गया कि एक्सप्लेन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आपको सारा इतना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। ओके, तो टीथ क्या होता है, टीथ क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में हमारे खाने को तोड़ देता है, यानी ब्रेक डाउन ऑफ फूड या फिर च्यू फूड, ठीक है। टंग क्या करेगा, टंग जो है हमारे जो मुंह होता है, हमारा जो माउथ होता है, उसमें क्या होता है, सलाइवा होता है ना, यानी थूक जिसको हम कह सकते हैं इन हिंदी। तो जो सलाइवा है वो क्या करता है, वो हमारे खाने के साथ मिक्स हो जाता है। कब, जब हम अपने टंग का यूज़ करते हैं फूड पे, यानी टीथ ने अपने काम कर लिया, खाने को तोड़ दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। अब टंग क्या करेगा, टंग करेगा कि जो हमारे मुंह में सलाइवा था ना, वो उसको फूड के साथ मिक्स करेगा। लाइक आप खाने को खा के देखिए, अगर आपने महसूस नहीं किया तो, आप अभी कोई भी फूड अपने मुंह में रखिए और उसको जब आप च्यू कर लेंगे, देन टंग से उसको जब लगाएंगे तो आप देखिएगा उस पर सलाइवा जो है वो मिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये सलाइवा मिक्स कैसे हुआ, लेट इट बी क्लियर कि जो सेलिवरी ग्लैंड है वो एक होता है जो कि क्या करता है, सिक्रीट करता है एक सेलिवरी अमाइलेज, ठीक। सेलिवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, सेलिवरी अमाइलेज, और उसके अंदर क्या होता है, सलाइवा। इसी वजह से सलाइवा जो है हमारे माउथ में होता है तो वो मिक्स कर देता है फूड को, ठीक है। यहाँ पे हमारा इंजेशन माउथ खत्म होता है। लेट्स बिगिन नाउ फ्रॉम द डाइजेशन प्रोसेस, सेकेंड प्रोसेस। ना डाइजेशन क्या है, डाइजेशन होता है कि खाने को तोड़ना, यानी जो कॉम्प्लेक्स फूड है, यानी इनसॉल्यूबल जिसको हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एक तरह से कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो जो कॉम्प्लेक्स है, बड़े बड़े इनसॉल्यूबल लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, उनको तोड़ना किसमें, छोटे छोटे सॉल्यूबल में, यानी सिंपलर में हम बोल सकते हैं। कॉम्प्लेक्स को सिंपलर में करना है इसको डाइजेशन। सिंपल डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, कॉम्प्लेक्स को सिंपलर करना है डाइजेशन, ठीक है। कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स इंटू सिंपलर इज डाइजेशन। तो डाइजेशन जो है अभी मैंने बताया, तो स्टार्ट होता है फ्रॉम द माउथ से, एंड माउथ में एक चीज रह गई कि जो हमने ये तो पढ़ लिया कि सैलिवरी ग्लैंड सेक्रीट करता है सैलिवरी अमाइलेज। अब ये जो सैलिवरी अमाइलेज है, ये करता क्या है ना, सैलिवरी अमाइलेज का फंक्शन क्या है, सैलिवरी अमाइलेज का फंक्शन है कि जो हमारा स्टार्च है ना, स्टार्च क्या होता है, C6H12O6। अब आप कहेंगे तो ग्लूकोज है, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, ऑल थ्री थिंग्स आर द सेम, ओके। तो जो स्टार्च है उसको शुगर में बना देना इज सेलिवरी अमाइलेज। इस चीज को याद रखिएगा, अभी मैंने क्या बताई, लिख के नोट कर लीजिए कि जो स्टार्च है, क्योंकि जो शुगर है ना वो आगे ग्लूकोज में होगा, तो देखिए स्टार्च कहाँ हुआ, शुगर में, शुगर जो है वो आगे जाके होगा एक सिंपलर से ग्लूकोज में। अब आप कहेंगे स्टार्च में तो ग्लूकोज था, C6H12O6, बट उस टाइप का नहीं, मतलब हम इसको ग्लूकोज अभी नहीं बोल सकते, हम इसको बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट एक है, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया शुगर में, कहाँ पे किया, सेलिवरी माइलेज फंक्शन से, जिसने सिक्रीट किया, तो किसने सिक्रीट किया था, सेलिवरी ग्लैंड ने, कहाँ पे, माउथ में, ठीक है, क्लियर। नाउ ये ग्लूकोज के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी जब हम पैंक्रीज पे आ जाएंगे। सॉरी गाइस, तो वेट फॉर मिनट, ओके कंटिन्यू। तो फूड पाइप क्या होता है, फूड पाइप हमने पढ़ा है बचपन से, इसको हम ईसोफेगस भी कहते हैं, यानी जो टंग से हमारा जो सलाइवा फूड मिक्स हुआ था उसको हम फूड पाइप में लेके जाते हैं, ठीक है। वो फूड पाइप क्या करता है, उसका फंक्शन क्या है कि खाने को हमारे माउथ में, सबसे पहले खाना कहाँ गया, माउथ, फिर क्या आता है, फिर हमारा, एक सेकेंड देखिए,
ये हमारा क्या था, माउथ था, ठीक है। इसके बाद इसोफेगस और फिर स्टमक। तो अगर खाना हमारे माउथ में है और हमें इसे स्टमक में ले जाना है ताकि हमारा पेट भरे, तो हम कैसे लेके जाएंगे? इस इसोफेगस यानी क्या बोलते हैं इसको, फूड पाइप है ना, फूड पाइप के थ्रू। तो फूड पाइप या इसोफेगस का फंक्शन क्या हुआ कि खाने को मुंह से यानी माउथ से स्टमक तक लेके जाना, इज इसोफेगस फंक्शन। ओके, क्लियर हो गया? नाउ हमने ये पढ़ लिया। अब इसका ये लेके कैसे जाता है भाई? पतली सी ट्यूब है, खाना तो बहुत मोटा होता है, कैसे करता है? ये करता है एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ना कुछ ऐसा ऐसा होता है। देखिए ये हमारा पाइप है, यहाँ पे माउथ था, माउथ से जब खाना इस फूड पाइप में, देखिए माउथ था ये हमारा, इस माउथ से खाना जब यहाँ फूड पाइप में आया तो एक कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन। यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ क्या हो रहा है? एक्सपेंशन। इसी प्रोसेस से हमारा जो है फूड पाइप को क्या करता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता है, ठीक है। नाउ द थिंग इज स्टमक। खाना कहाँ गया? माउथ से स्टमक में आ गया। कौन लाया? फूड पाइप लाया, ठीक है। स्टमक क्या करेगा? स्टमक क्या करता है? स्टमक जो है वो सिक्रीट करता है एक जूस जिसका नाम होता है गैस्ट्रिक जूसेस। अब गैस्ट्रिक जूसेस क्या होता है, ये क्या करता है? गैस्ट्रिक जूसेस है यानी कुछ तो देता है, कुछ तो सिक्रीट करता है ये भी। इसको किसने सिक्रीट किया? स्टमक ने। अब ये किसको सिक्रीट करेगा? तीन टाइप के जूसेस। फर्स्ट जूस है हमारा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड है ये, ओके। देन पेप्सिन, पेप्सिन जो है एक सिंपल टाइप का कुछ है, अभी बताऊंगी। एंड देन अ म्यूकस, ठीक है। HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। नाउ HCl क्या करता है भाई? HCl एक एसिड है यानी जर्म्स को किल करता है। अब इसका मीडियम क्या है, मतलब HCl जो है वो क्या करता होगा? ये एसिड है ना, तो जो भी हमने खाना लिया है पहले वो क्या होता है? हमारा बेस होता है, ठीक है। क्या होता है वो? हमारा पहले बेस। फिर जब वो स्टमक में आता है और HCl जब रिलीज होता है तो वो खाना हमें किस में कन्वर्ट कर देता है? एसिड में। यानी इसका फंक्शन क्या हुआ HCl का, कि बेस को एसिड में कन्वर्ट करना इज HCl फंक्शंस। क्लियर? नाउ कम टू द पेप्सिन। पेप्सिन बहुत इजी है। पेप्सिन क्या करता है? ये डाइजेशन में हेल्प करता है। पेप्सिन किससे रिलेट कर रहा है? प्रोटीन से, है ना, पीपी थोड़ा प्रोटीन, ठीक है। तो पेप्सिन जो है इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, पेप्सिन यानी प्रोटीन, पीपी से, ठीक है। ऐसे ही एक ट्रिप्सिन आएगा, ट्रिप्सिन जो है वो पेप्सिन से मिलता है, वो भी प्रोटीन का कुछ करता है, क्या मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन डाइजेशन करता है प्रोटीन का, ठीक। अब प्रोटीन का डाइजेशन करना मतलब, डाइजेशन मतलब कॉम्प्लेक्स को सिंपलर करना। यानी प्रोटीन का डाइजेशन जब ये करेगा तो प्रोटीन क्या है? कॉम्प्लेक्स है, उसको सिंपलर प्रोटीन में कन्वर्ट कर देगा, सिंपल, ओके। नाउ म्यूकस क्या करता है? म्यूकस जो है हमारे जो स्टमक है उसमें क्या हुआ, HCl जब रिलीज होता है ना, तो ये तो एसिड है भाई, उस एसिड को हमारे स्टमक में रिएक्ट कर जाएगा। अगर HCl ज़्यादा हो गया तो हमें तो प्रॉब्लम हो सकती है, डिजीज हो सकती है, क्योंकि एसिड जो है वो हार्मफुल होता है, यू ऑल्सो नो डैट, है ना। तो एसिड जब हार्मफुल है तो हम उसको अपने स्टमक में कैसे रहने दे सकते हैं? उसको कन्वर्ट करने के लिए या उस डिजीज को रोकने के लिए हमारा जो म्यूकस है वो कुछ काम करता है। वो क्या करता है? जैसे सल्सर वाली जो डिजीज है उनसे वो हमें बचाता है, ठीक है। नाउ हमने माउथ, फूड पाइप, माउथ, ये स्टमक सब पढ़ लिया। तो अब आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि अब बात आ गई है स्मॉल इंटेस्टाइन पे नीचे, ठीक है। हम आ गए स्मॉल इंटेस्टाइन पे। क्यों आ गए स्मॉल इंटेस्टाइन पे? क्योंकि हमने माउथ पढ़ लिया, इसोफेगस पढ़ लिया, स्टमक पढ़ लिया, पैंक्रीज, लिवर, गॉल ब्लैडर हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हमें पढ़ना है स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, फिर पढ़ेंगे लिवर, पैंक्रीज एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ओके। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको हम ना, दूसरे नाम भी है उसका जिसको हम बोलते हैं साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। वन मार्क क्वेश्चन ये भी है एक, क्या जो भी मैं आपको बता रही हूँ ना कि ये 5 मार्क का है, 3 मार्क का, 1 मार्क का, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि उसको मार्क कर ले, उसको नोट कर ले और उसको याद कर ले, क्योंकि ये कुछ कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो हर साल आते ही आते हैं, ठीक है। अब एग्जाम में ये भी आ सकते हैं कि डाइजेशन का पूरा प्रोसेस लिखो, ये सारा जितना भी मैंने अभी आपको पढ़ा है सारा लिखो, या फिर रेस्पिरेशन का, ट्रांसपोर्टेशन का, कुछ भी आ सकता है, ये चैप्टर से कुछ भी आ सकते हैं, इसलिए आप इसका रट्टा नहीं मार सकते, आपको ये समझ ना होगा। और जो डाइजेशन पढ़ा रही हूँ ना, ये पता है मैंने कैसे लर्न किया था? ऐसे सिर्फ लर्न ही कर लिया था नोट्स पढ़ के नहीं, इसको मैंने फील किया था। फील जैसे कि इतना सारा भाई मैंने, है ना,
इतना भी फील नहीं किया, ऐसे किया कि बस माउथ में रखा, वो गैस्ट्रिक जूसेस जो है ये सब हो रहे हैं, अब यहाँ स्टमक में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, बस इतना रखो, अब कहाँ जाएगा, अब कहाँ जाएगा, और इसका फंक्शन क्या, बाकी सारा जो है ना वो खुद ब खुद याद आ जाएगा अगर आप इतना भी याद रखेंगे तो। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, वो एक साइट है कंप्लीट डाइजेशन की, यानी यहाँ पे आके डाइजेशन खत्म होता है। अब स्टार्ट कहाँ हुआ था, मेरा क्वेश्चन ये, कमेंट में मुझे आंसर करें कि डाइजेशन जो है वो कहाँ स्टार्ट हुआ था एंड डाइजेशन जो है वो कहाँ फिनिश हुआ। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर। ठीक, तो अगर आप इस, मैं बाद में इसका आंसर बता दूंगी, कमेंट सेक्शन में आप मुझे तो बताइएगा, ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं वापस स्मॉल इंटेस्टाइन पे। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है कि साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, यानी जहाँ पे डाइजेशन आके खत्म होता है, डाइजेशन जो है हमारा फिनिश होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चीज आती है कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना वो सारे सिक्रीशंस लेता है, यानी अभी तक तो हमने ये पढ़ा कि ये दे रहा है, सिक्रीट कर रहा है, ये सिक्रीट कर रहा है, ये कुछ अलग ही काम कर रहा है, ये सारे सिक्रीशन ले रहा है, व्हाट आई थिंक, वाओ। ये क्या करता है, जो भी लिवर पैंक्रियास जो है ये अपना कुछ सेक्रीट करते हैं, लाइक अभी तक हमने पढ़ा कि गैस्ट्रिक जूसेस और सैलिवरी अमाइलेज है ना, तो हर कोई कुछ ना कुछ सेक्रीट कर रहा है। तो जब लिवर और पैंक्रियास अपना कुछ सेक्रीट करेंगे वो कहाँ जाएगा, हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये सारा सेक्रीट कर लेते, रिसीव कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि रिसीव कौन करता है, लिवर पैंक्रियास का, बट लिवर सेक्रीट करता क्या है, लिवर जो है तो जो लेवर है वो सेक्रेट करता है एक बाइल जूस। अब बाइल जूस क्या करता है, बाइल जूस भी सेक्रेट करता है, मतलब सॉरी बाइल जूस सेक्रेट नहीं करता, वेट, लेवर क्या कर रहा है, सेक्रेट कर रहा है बाइल जूसेस को। ठीक है, अब बाइल जूस का फंक्शन, मतलब सिर्फ लेवर जो है वो सिर्फ बाइल जूस ही सेक्रेट नहीं करता, वो बाइल सॉल्ट भी करता है। ठीक है, बाइल जूस और बाइल सॉल्ट। अब बाइल जूस क्या करता है, वो जो फैट है ना उसको तोड़ता है, यानी ब्रेक करता है, और सॉल्ट क्या करता है, वो गोब्यूल्स जो होते हैं उनको तोड़ता है। ठीक है, दोनों ही तोड़ता है, पर ये फैट को और ये गोब्यूल्स को। अब ये जो सब है ना सेक्रीशन लेवर से, मतलब गॉल ब्लैडर पहले का सेक्रीट करता है। ठीक है, नाउ पैंक्रीस, अब पैंक, अच्छा एक और चीज़, बाइल जूस जो है वो बेसिक में करता है, यानी हमने पहले पढ़ा कि बेस से एचसीएल निकल रहा है एसिड में, अब ये वापस बेस कौन करता है, बाइल जूस। ठीक है, याद रखना इस चैन को, ये चैन आप ड्रॉ कर लीजिएगा, इसको लर्न कर लीजिएगा। ओके, पैंक्रीज, पैंक्रीज जो है साफ पता चल रहा है कि कोई पैंक्रीज है, अब सबने सिक्रीट किया, ये भी करेगा, क्या करेगा, पैंक्रियाटिक जूसेस सिक्रीट करेगा। ठीक, अब पैंक्रियाटिक जूसेस किस किस टाइप के या कौन कौन सेक्रीट करेगा, वो करेगा लाइपेस, ट्रिप्सिन और पैंक्रियाटिक अमाइलेज। अब लाइपेस के बारे में पहले बात करते हैं, तो लाइपेस क्या करता है, उसके ये तीनों अगर मैं पढ़ाऊंगी ना, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है वो सब इतने से बॉक्स में क्लियर हो जाएगा, ये जो चीज़ है ना इसमें इतना सारा कवर हो जाएगा। ठीक, तो इसको आप समझते हैं। तो लाइपेस जो है उसमें सबसे ये सारा काम करता है फैट का, किसका करता है, फैट का, वन मिनट। ठीक है, लाइपेस जो है वो सब कुछ करता है अबाउट द फैट। अब हमने पहले पढ़ा कि फैट के बारे में सबसे किसने ब्रेक डाउन किया, सबसे पहले फैट का ब्रेक डाउन किया बाइल जूस ने, अभी हमने यहाँ पढ़ा। ठीक है, अब इसके बाद जो बाइल जूस का पहले उसने कर लिया, उसने किस में करा, इमल्सीफाई फैट ने। अब ये जो इमल्सीफाई फैट हुआ ना, इसको कन्वर्ट करेंगे हमारे लाइपेस भैया। ठीक, लाइपेस भैया किस में करेंगे हमारे, इसको फैटी एसिड, पहले किस में हुआ, फैट, फैट किस में हुआ, इमल्सीफाई फैट, जिसको किसने किया, लाइपेस ने, अब ये हो जाएगा फैटी एसिड में। नाउ ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन इज सिमिलर टू पेप्सिन ना, है ना, ये क्या करता था, प्रोटीन का, इसने किस में कर दिया था, सिंपलर प्रोटीन में, अब सिंपलर प्रोटीन को करेंगे हमारे दूसरे भैया जिसका नाम है ट्रिप्सिन। जो ट्रिप्सिन भैया है वो क्या करेंगे, इस अमीनो एसिड को में मतलब बना देंगे इस सिंपलर प्रोटीन को, प्रोटीन सिंपलर प्रोटीन अमीनो एसिड, पेप्सिन ट्रिप्सिन एंड फाइनल, दिस इज अमीनो एसिड। ठीक, देन जो थर्ड वन है डेट इज पैंक्रियाटिक अमाइलेज। अब सिंपल इसमें देखिए, शुगर से पहले किस में ये कन्वर्ट हुआ था, शुगर पहले कन्वर्ट हुआ था, यहाँ मैं लिखना भूल गई हूँ नोट्स में, कोई नहीं, ये पहले हो गया था हमारा स्टार्च में, किसने किया था, याद कीजिए, याद कीजिए जल्दी,
सोचिए सोचिए, सैलिवरी अमाइलेज ने, याद है हमने यहाँ पढ़ा था, देखिए है ना, माउथ में जो सैलिवरी ग्लैंड है वो सीक्रेट करता है सैलिवरी अमाइलेज, वो कन्वर्ट कर देता है स्टार्च को शुगर में, फिर ये शुगर को कौन कन्वर्ट करता है, पैंक्रियाटिक अमाइलेज, किस में कर देता है, सिंपलर ग्लूकोज में, जो कि मैंने आपको यहाँ बताया था कि स्टार्च शुगर फिर सिंपलर ग्लूकोज। ओके तो यहाँ पे ये तीन चीज़ें हमें और पढ़नी है, चार चीज़, उसके बाद हमारा आएगा रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन हम करेंगे इन द सेकेंड पार्ट टू वीडियो में, अभी हम इतना ही पढ़ेंगे यहाँ तक। ठीक है, तो अब हमने पढ़ लिया इंजेशन पढ़ लिया और डाइजेशन पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन, देन एसिमिलेशन एंड देन ईजेशन। ठीक है, इसके बाद हमारा जो डाइजेशन है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, पूरा का पूरा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है कि जो जगह जो मतलब ये जो है ये कहाँ कहाँ होता है, पहले ये पढ़ लीजिए। एब्जॉर्प्शन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, कहाँ कहाँ होता है, स्मॉल और लार्ज दोनों में होता है। अब कैसे होता है, जो एब्जॉर्प्शन है यानी किसी को एब्जॉर्ब कर लेना, अपने अंदर ले लेना है ना, उसको हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में, सबसे पहले बात करेंगे स्मॉल की। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक विली होता है, विली क्या, ऐसे फिंगर जैसे प्रोजेक्शन, और ये बहुत सारे होते हैं, लाइक मिलियंस में होते हैं ये। ठीक है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विली है ये क्या होते हैं, मिलियंस में होते हैं, फिंगर जैसे होते हैं हमारे, देखिए है ना, पतले पतले। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, यही सारा एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं। अब ये कैसे एब्जॉर्प्शन करते हैं, यहाँ पे हमारा लाइक खन है तो ये इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, और ये इस दोनों ने एब्जॉर्ब कर लिया, इसी को हम कह देते हैं एब्जॉर्प्शन। सिंपल, लार्ज इंटेस्टाइन में विली बहुत ही कम होते हैं, मतलब विली होते ही नहीं, इसमें जो एब्जॉर्प्शन है वो होता है हमारा वाटर का, किसका होता है, वाटर का, और इसमें होता है हमारा स्मॉल में होता है हमारा फूड का, और लार्ज टाइम में होता है वाटर का, ये याद रखिएगा दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चे सोचते हैं कि एब्जॉर्प्शन दोनों में होता है यानी दोनों में ही विली होते हैं और दोनों में ही फूड का होता है, नहीं, दोनों में विली नहीं होते और दोनों में फूड का नहीं होता, इसमें विली होता है इसमें फूड का होता है, इसमें विली नहीं होता और इसमें एब्जॉर्प्शन वाटर का होता है। क्लियर, प्लीज मेक इट श्योर दैट इफ यू क्लियर। ओके, एसिमिलेशन जो है वो क्या होता है कि अभी जो हमारा खाना एब्जॉर्ब हुआ ना वो कहाँ जाएगा, अब वो खाना अब हमारी हर एक बॉडी के जो एक एक छोटा छोटा सेल होता है ना हमारे, उसमें जाएगा। ठीक है, अब सेल में जाके क्या करेगा, सेल में जाके हमारा जो ये हमारा जो एब्जॉर्ब फूड था ये कहाँ गया, देखिए अभी जो हमने एब्जॉर्ब फूड देखा वो कहाँ गया, हमारे सेल्स में। ठीक है, इस सेल्स में क्या होगा, जब ये एब्जॉर्ब फूड जाएगा ना तो इससे हमें मिलेगी एनर्जी। ठीक है, एनर्जी मिलेगी और क्या होगा, ये रिपेयरिंग करेगा, बिल्डिंग करेगा, यानी जैसे हम कहते हैं ना कि प्रोटीन्स खाओ, विटामिन्स खाओ, कैल्शियम खाओ, तो मैं इसकी कमी है, तो मैं इसकी कमी है, तो वो कैसे कमी पूरी होती है, वो कमी पूरी इस तरीके से होती है कि स्मॉल, जब हमने कुछ ऐसा खाया जिसमें प्रोटीन है, कैल्शियम है, सपोज कि मुझे लाइक आप में प्रोटीन की कमी है, ठीक है, तो आपने क्या किया, प्रोटीन जिसमें होता है वो खाया, लाइक हाँ, तो क्या मैं बोल रही थी, सॉरी गाइस, हाँ मैं बोल रही थी कि जो जैसे आप में प्रोटीन की कमी है, ठीक है, तो आपने प्रोटीन जैसा कुछ लिया और प्रोटीन जैसा कुछ लेने के बाद आपने क्या किया कि उसमें आपके जो प्रोटीन था ना आपने लिया, वो कहाँ गया, आपके कुछ ऐसे पार्ट्स में गया, आपने वो एब्जॉर्ब कर लिया हमारे किसने, स्मॉल इंटेस्टाइन के विली ने, अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन के विली ने जब उसको एब्जॉर्ब कर लिया तो वो जाएगा हमारे सेल में और उस सेल में से वो क्या करेगा, हमें एनर्जी देगा और हमें जो प्रोटीन की कमी थी वो पूरी हो जाएगी। इसी तरीके से एसिमिलेशन एब्जॉर्प्शन अपना काम करते हैं। ठीक है, और जो रिपेयरिंग है, बिल्डिंग है, वो सब होता है। लास्ट थिंग अबाउट लार्ज इंटेस्टाइन एंड ईजेशन क्या है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना वो क्या करते हैं, जितना भी अनअब्जॉर्ब्ड फूड है वो कहाँ भेजा जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, अनअब्जॉर्ब्ड मतलब जो कि हमने सारा तो एब्जॉर्ब हो नहीं सकता है ना, कुछ एब्जॉर्ब कर लिया और कुछ नहीं किया, अब जो अनअब्जॉर्ब फूड है वो कहाँ गया, लार्ज इंटेस्टाइन में, और जो एब्जॉर्ब किया गया था वो कहाँ गया, हमारे सेल्स में, फॉर एनर्जी, बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग। अब जो अनअब्जॉर्ब्ड था वो गया लार्ज इंटेस्टाइन में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो एब्जॉर्ब होता है,
वो क्या होता है, वाटर। मैं आपको ऑलरेडी यहाँ बता चुकी हूँ, वाटर एब्जॉर्ब होता है और फिर वो जो अनअब्जॉर्ब चीज़ बची वो सब इजेशन की जाती है। यानी लाइक हम वॉशरूम जाते हैं ये सब, तो वहाँ पे हम इजेशन करते हैं। लाइक अनडाइजेस्टेड फूड का रिमूवल इज कॉल्ड इजेशन। होप आपको पूरा डाइजेशन सिस्टम कम्प्लीटली समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है ना, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगली वीडियो में रेस्पिरेशन शुरू करेंगे। ओके okay?